अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेसन आप लोगों का नून प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में है कि नून के लिए आप लोग कैसे प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को नया तरीका बताता हूँ। पहले तो सिंपल जो है, यहाँ पे हम कैटेगरी को सेलेक्ट करते थे। ठीक है, पे यहाँ पे बेस्ट सेलर या न्यू अरेवल पे जाके प्रोडक्ट को हंट करते थे। तो आज मैं आप लोगों को एक नया तरीका बताता हूँ। इस तरीके से आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले ऑलरेडी बताया है ये तरीका। तो अब मैं आता हूँ सेकेंड स्टेप के ऊपर, जो अमेजोन है। मिसाल के तौर पर आजकल पॉलिसी बहुत सख्त है। अमेजोन और नून में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नून पॉलिसी और अमेजोन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जेनेरिक प्रोडक्ट। ठीक है, जेनेरिक प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ। कभी भी आप लोग नून पे ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल ना करें विदाउट परमिशन। अगर आप लोगों के पास ऑथोराइजेशन लेटर नहीं है या आप लोगों के पास प्रॉपर इनवॉइस नहीं है, तो आप लोग नून पे ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल ना करें। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फाइन पड़ सकता है। 20 के दरम से लेकर 2 लाख दरम तक आप लोगों को फाइन पड़ सकता है। ये न्यू अपडेट आया है, आप लोग मेन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप लोग का जो नून सेलर अकाउंट है। ठीक है, तो इसके आप लोग मेन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मैं आप लोग एक मिसाल देता हूँ, ठीक है, जेनेरिक प्रोडक्ट्स के बारे में। मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट्स हैं, ये जेनेरिक प्रोडक्ट है और इसकी सेल मंथली 300 प्लस है। मिसाल दे रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को आप लोग नून पे चेक कर सकते हैं कि नून पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो मैं चेक करता हूँ नून पे इसकी सेल जो है कितना है। कस्टमर वही है। अगर आप लोग नून पे चेक करते हैं या अमेजोन पे, कस्टमर वही है, वही कस्टमर आके आपसे जो है प्रोडक्ट ख़रीदता है। ठीक है, कोई भी बाहर से कस्टमर नहीं आता है। जो कस्टमर अमेजोन के ऊपर आता है वही कस्टमर नून के भी ऊपर आता है। नून पर भी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होता है और अमेजोन के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका सेल बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसका रेटिंग भी 4.5 चल रहा है, जो कि मेरे लिहाज से काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो मैं नीचे आता हूँ, इसमें कलर्स भी है। तो एक और मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ। ये एक ब्रांड है, मिसाल के तौर पर इसने ब्लैक कलर में लिस्ट किया है। तो आप लोग कलर को चेंज करके यही ब्रांड सेम डिज़ाइन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कलर पर यही कलर चूज़ नहीं करना है, तो ये कॉपीराइट में आता है। आप लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा आता हूँ अमेजोन के ऊपर। अमेजोन के ऊपर सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं है, बहुत से जो है बड़े बड़े ब्रांड है अमेजोन के ऊपर जो नून के ऊपर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ईजिली आप लोग इसको हंट करके और नून पे लिस्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट नून पे अवेलेबल नहीं है तो विदाउट एनी परमिशन आप लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप जेनेरिक से स्टार्ट ले लें। ठीक है, क्योंकि आप नए होते हैं तो ब्रांडेड प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं होता। अगर आप लोगों ने किसी भी ब्रांड को लिस्ट करना है तो पहले मेरे साथ रब्ता कर ले। ठीक है, मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस मैं नहीं लूँगा। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे साथ रब्ता कर ले, मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ किस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या जो भी प्रॉब्लम हो इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये प्रोडक्ट चेक करता हूँ। तो इसके अलावा कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने चेक करता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है या नहीं है नून के ऊपर। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, मैं चेक करता हूँ कि ये ब्रांड नून के ऊपर अवेलेबल है या नहीं है। अगर ये ब्रांड अवेलेबल नहीं होता तो आप लोग अमेजोन से ऑर्डर करके नून FBN ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नून FBP मॉडल में भी लिस्ट कर सकते हैं और नून FBN में भी लिस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, लेकिन अमेजोन का इनवॉइस आप लोग के पास होना चाहिए। ये आप लोग के पास प्रूफ होता है कि ये प्रोडक्ट मैंने कहीं से चोरी नहीं किया है। ठीक है, मैंने ख़रीदा है प्रोडक्ट्स को। तो मैं इसको चेक करता हूँ। मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि जितना भी आसान तरीका हो मैं आप लोगों को वही तरीके से गाइड कर दूँ। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैंने वही प्रोडक्ट को सर्च किया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ज़्यादातर डिपेंड करता है कि इसका कीवर्ड जो है मैच नहीं करता है। तो मैं नीचे आता हूँ। ठीक है, वही डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आप लोगों के सामने है।
तो इस प्रोडक्ट को मैं खुद भी लिस्ट कर सकता हूँ। ये सिंगल पीस में अवेलेबल है, मैं और नीचे आता हूँ, अवेलेबल नहीं है, आप लोग के सामने है, तो ये भी प्रूफ है, ये भी बड़ा प्रूफ है। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग के सामने ये प्रोडक्ट जो है मैंने चेक भी किया और ये अवेलेबल भी नहीं है नून के ऊपर, तो अमेजोन के ऊपर मेन पेज पर पड़ा है। तो सिंपल यहाँ से ऑर्डर करके तो ये अभी जो है 58% ऑफ है, यहाँ से ऑर्डर करके इस प्रोडक्ट को FBN ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कलर है और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये कलर है लेकिन ये चेंज कलर है, ठीक है, और डिज़ाइन भी चेंज है। तो इस प्रोडक्ट को इजीली यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ और बड़ी ब्रांड दिखाता हूँ, ये भी ब्रांड है, मैं इसके स्टोर को विजिट करता हूँ, ठीक है। तो इस स्टोर से आप लोग और भी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट नून के ऊपर अवेलेबल नहीं होता, इस प्रोडक्ट को सिंपल सब कुछ कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दे, ठीक है। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। तो इसकी सेल्स चेक करें, 700 प्लस पीसेस मंथली सेल्स है, तो इसका भी 700 पीसेस सेल है, बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है इसके पास। तो इसके पास 300 प्लस पीसेस मंथली सेल है, 500 पीसेस, 200 पीसेस, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शोर चल रहा है इस बंदे का, ठीक है, 200 प्लस पीसेस, तो बहुत अच्छा स्टोर है इस बंदे का। तो टोटल 12 प्रोडक्ट है इसके पास, लेकिन सबका सेल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो मैं इसको चेक करता हूँ, तो इसके साथ सारे प्रोडक्ट बेस्ट सेलर में है, ठीक है, ये बंदा ज़रूरी कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट चला रहा है। तो मैं इस प्रोडक्ट को चेक करता हूँ कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हर एक एक ब्रांड को चेक कर सकते हैं। इस फील्ड के लिए थोड़ा सा टाइम आप लोगों ने देना पड़ेगा, इस तरह प्रोडक्ट आप लोगों को नहीं निकलते हैं। तो ये तो चांस से लग गया, एक प्रोडक्ट जो है अचानक से नून के ऊपर अवेलेबल नहीं था, ठीक है, तो यही प्रोडक्ट है। लेकिन नून के ऊपर कंपटीशन कम है, तो किसी ने जेनेरिक में भी लिस्ट किया है, तो यहाँ पे जेनेरिक में तो नहीं था, यहाँ पे ब्रांड में था, यहाँ पे किसी ने जेनेरिक में लिस्ट किया है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स है और जो MPL प्रोडक्ट है, इसको आप लोग सेल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट्स ना उठाए, कस्टमर आपके ऊपर बैड रिव्यू कर देगा और इससे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है, ठीक है, और इसके ऊपर फाइन भी बहुत ज़्यादा है, पहले से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसके ऊपर फाइन भी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस बंदे ने अभी स्टोर बनाया है, ठीक है, इसलिए जेनेरिक में लिस्ट किया है। तो जो भी प्रोडक्ट MPL प्रोडक्ट है, आप लोग जेनेरिक पे लिस्ट कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट नून के ऊपर अवेलेबल नहीं होता। तो इस तरह आप लोग और भी बड़े बड़े ब्रांड को चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट को चेक करता हूँ, तो ये लेसन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ। इस आइडिया के मुताबिक एक एक प्रोडक्ट को चेक करके आप लोग प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो मैं कुछ और प्रोडक्ट दिखाता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को चेक करता हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट है जो अवेलेबल नहीं होते हैं नून के ऊपर, ठीक है, इसको मैं चेक करता हूँ, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है, तो इसको मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही प्रोडक्ट को सर्च किया, मैं नीचे आता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मुझे कुछ जो है स्टूडेंट मैसेजेस करते हैं कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, तो मैं हैरान हूँ इन लोगों के कैसे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो आप लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, ठीक है, तो मैं दोबारा आता हूँ अमेज़ोन के ऊपर। तो इस तरह डेली आप लोग 100 प्रोडक्ट 200 प्रोडक्ट को जो है चेक करके आप लोगों को बहुत सारे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड मिल जाएंगे जो कि नून के ऊपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं एक एक ब्रांड को चेक करता हूँ, तो ये लेसन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो आज के लिए ये लेसन काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो नून के रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो अगर अमेजोन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग फील फ्री कर सकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, शुक्रिया।